वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जी फ्रेशिया की हेयर बॉन्डिंग तो इसके साथ आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए किस किस तरह यूज़ करनी इसकी क्या प्राइस होगी मुकम्मल डिटेल वीडियो के अंदर होगी तो वीडियो के साथ बनी रहिएगा तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी फ्रेशिया की कैराटीन हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम की इसके अंदर कितनी चीज़ें होंगी और इसको किस तरह यूज़ करना है तो सबसे पहले जी ये कनाडा का ब्रांड है और पाकिस्तान के अंदर इसकी ऑल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इसके मास्क अवेलेबल हैं सीरम अवेलेबल हैं और भी इसकी और इसके अलावा इसकी कलर रेंज भी अवेलेबल है तो फ्रेशिया एक काफ़ी वेल well नाउंड ब्रांड है जाने जाने वाला ब्रांड है हर एक पोलर वाला इसको जानता है और इसकी बॉन्टिंग भी काफ़ी अच्छी है तो ये वाली जो आप सामने पैकेंग देख सकते हैं ये इसकी छोटी पैकेजिंग है जो कि एक बंदे के लिए इनफ है अगर आपके बाल हद से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अगर लंबे हैं दैन आप पोलर साइज़ इसकी पैकेजिंग खरीद सकते हैं जो कि आप सामने इस पिक्चर में देख सकते हैं ये इसकी पोलर साइज़ पैकेजिंग है तो अब हम बात करेंगे इसकी छोटी पैकेजिंग की तो ये सामने आप देख सकते हैं मेड इन कैनेडा का ब्रांड है और अब मैं आपको इसकी पैकेजिंग ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर टोटल कितनी चीज़ें हैं तो इसके अंदर जी टोटल दो चीज़ें हैं एक इसकी स्ट्रेटिंग क्रीम और दूसरा इसका न्यूट्रलाइजर तो अब मैं इसकी स्ट्रेटिंग क्रीम पहले बाहर निकाल लूँ तो ये जी ये इसकी स्ट्रेटिंग क्रीम है स्टेप वन पे हमारे पास आता है इसकी स्ट्रेटिंग क्रीम तो इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आपने किसी से भी स्ट्रेटिंग करवाने हैं तो उसको मुकम्मल इसका प्रोसीजर पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो सबसे पहले जी नंबर वन पे आएगी रिबॉन्डिंग क्रीम जो स्टेप नंबर वन पे जिसके ऊपर वन लिखा है ये वाली क्रीम नंबर वन पे अप्लाई होगी तो इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है कि इसको अप्लाई करने का तरीका इनतहा सिंपल तरीका है वो डिपेंड करता है कि आपके बालों की कंडीशन किस तरह की है और आपका सलोन वाला कितना ज़्यादा प्रोफेशनल है तो अगर तो बात करें स्टेप वन की तो ऊपर इसके मुकम्मल लिखा हुआ है कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है सबसे पहले आपने अपने बालों को शैम्पू करना है फिर 80 परसेंट तक अपने बालों को ड्राई कर लेना है फिर उसके सेक्शन बना लेने हैं और फिर उसके बाद आपने रिबॉन्डिंग स्टेप नंबर वन को अप्लाई कर लेना है उसके बाद फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता बालों की इलास्टिसिटी चेक करते रहना है तो बड़ा ही इजी सा इसका तरीका है और उसके ऊपर मुकम्मल डिटेल लिखी है और क्वेश्चन भी लिखे हैं किस तरह आपने बचाना है और किस तरह बालों के ऊपर अप्लाई करना है तो अगर आप इसको परचेज़ करेंगे तो इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल आप वाजह तौर से रीड भी कर सकते हैं तो उसके बाद जी बारी आ जाएगी स्टेप नंबर टू की स्टेप नंबर टू होता है हमारे पास न्यूट्रलाइजिंग क्रीम तो ये हमारे पास न्यूट्रलाइजिंग क्रीम है तो इसका भी सेम प्रोसीजर है बालों को वॉश कर लेना वॉश करने के बाद आपने न्यूट्रलाइजिंग क्रीम को अप्लाई कर लेना है तो उसके बाद फिर आपकी रिबॉन्डिंग मुकम्मल हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपने जब रिबॉन्डिंग करवा ली है उसके बाद का क्या प्रोसीजर है उसके बाद अपने बालों की आपने केयर किस तरह करनी है तो उसके बाद मार्केट के अंदर इन्हीं कम इन्हीं का शैम्पू अवेलेबल है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो में दिखाया भी था इसका आफ्टर रिबॉन्डिंग शैम्पू तो ये इसका आफ्टर रिबॉन्डिंग शैम्पू है और साथ इसका कंडीशनर पहले आप आफ्टर रिबॉन्डिंग शैम्पू देख लें इस तरह के इसका आफ्टर रिबॉन्डिंग शैम्पू होता है जो एक्सपायरी डेट वगैरह इसके ऊपर मेंशन है और ये कितने एमएल की पैकेजिंग के अंदर है ये आपको मिलेगा थ्री हंड्रेड एम की पैकेजिंग के अंदर तो इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल लिखी है तो आफ्टर रिबॉन्डिंग शैम्पू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे होता क्या है कि अगर आफ्टर रिबॉन्डिंग अगर आप इनकी प्रोडक्ट्स को अप्लाई करेंगे तो आपकी जो रिबॉन्डिंग का ड्यूरेशन पीरियड है वो बढ़ जाएगा अगर आप इनको अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका ये एक से डेढ़ मंथ निकालेगा अगर आप ये प्रोडक्ट साथ अप्लाई करेंगे डेली रूटीन के अंदर दैन आपका ड्यूरेशन पीरियड बढ़ जाएगा और आपकी रिबॉन्डिंग और आपके बालों की ग्रोथ अच्छी रहेगी तो ये इसका आफ्टर रिबॉन्डिंग शैम्पू और कंडीशनर दोनों चीज़ें तो इसकी प्राइस की बात करें तो इसका शैम्पू है ए, 1400 हंड्रेड का और इसका कंडीशनर है 1450 हंड्रेड फिफ्टी चौदह सौ पचास का इसका कंडीशनर है और रिबॉन्डिंग की बात करें तो रिबॉन्डिंग है